गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। आज हम इलेक्ट्रॉन फिल करना देखते हैं। देखिए, अपन ने एक बात की थी कि जब लिगेंड आएगा तो मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन होगा या बोलू रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होंगे, वो अपन ने देखा था। अब देखिए, मैं एक बार दोबारा दिखाती हूँ। ये 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है मेटल के। जब इनके कांटेक्ट में लिगेंड आता है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड चूंकि एक्सिस की ओर से आते हैं, इसलिए वे वाले डी ऑर्बिटल्स जिनकी लोब्स एक्सिस पे होती हैं उनका इंटरेक्शन ज्यादा होगा और वहां पे रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से ये औसत एनर्जी से कुछ ऊपर की तरफ होते हैं। जबकि अनदर जो होते हैं 3 डी ऑर्बिटल्स जिनको अपन बोलते हैं T2G, ये औसत एनर्जी से थोड़े क्या होते हैं, कम। ये अपन ने बात की और दोनों के बीच के इस ऊर्जा अंतराल को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को मैंने बोला था डेल्टा ओ, क्लियर। या फिर इसको अपन कैसे दिखा सकते हैं, 10 DQ से, 10 dacural से। और अपन ने कहा था ये देखो कितने ऊपर होते हैं, ये होते हैं 0.6 डेल्टा नॉट, क्लियर। और ये कितने कम होते हैं बोलो, ये चूंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है तो इनको लिखते हैं प्लस, इनकी एनर्जी कम होती है तो इसको लिखते हैं माइनस, और ये हो गया 4 डेल्टा नॉट। इतनी बात अपन लोगों ने की थी। आप देखिए, मैं बात कर रही हूं कि कब तो अपने इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी और कब इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। और इलेक्ट्रॉनों की अगर पेयरिंग नहीं हो रही, इसका मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और इलेक्ट्रॉनों की अगर पेयरिंग होगी तो कैसे बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इसके बारे में अपन को बात करनी है। अब देखिए, मैंने कहा कि अगर मान लीजिए लिगेंड दुर्बल है, और आप देखिए अगर लिगेंड दुर्बल होगा तो उस कंडीशन में मेटल और लिगेंड के बीच में रिपल्सन, या बोलूं जब वो लिगेंड मेटल्स की ओर आएंगे तो वहां पे दुर्बल लिगेंड होने की वजह से उनके बीच में इंटरेक्शन कम होगा, या बोलूं उनके बीच में रिपल्सन कम होगा, क्लियर। तो यहां पे देखिए, ये जो मैं बोल रही हूं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, अगर लिगेंड दुर्बल हुआ तो चूंकि स्प्लिटिंग कम होगी तो इसका मान भी बोलो क्या हो जाएगा, कम। ये बात आप लोगों को समझ में आई। और अगर मान लीजिए लिगेंड प्रबल हुआ, जो मैंने यहां पे दिखा रखा है कि अगर लिगेंड प्रबल हुआ तो अपन को पता है मेटल और लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन क्या होंगे, ज्यादा ज्यादा होने की वजह से ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान बोलो क्या हो जाएगा, ज्यादा, मैंने दिखा दिया। अब देखिए यहां पे, चूंकि ये देखिए यहां पे ये अगर लिगेंड दुर्बल है, अब मैं दुर्बल वाले की बात कर रही हूं, लिगेंड अगर दुर्बल है तो अपन ने बोला कि ये वाली स्प्लिटिंग बोलो क्या होगी, कम। तो इजिली इलेक्ट्रॉन जब आप होंड के अनुसार, पहले मान लीजिए आपने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2 3, अब 4th इलेक्ट्रॉन अपन को फिल करना है, और अगर दुर्बल लिगेंड है तो ये जो एनर्जी गैप है ये क्या है, कम। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, ऊपर की तरफ। तो मैं ये बोल सकती हूं कि यहां पे चूंकि डेल्टा नोट का मान कम है इसलिए पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा है, इसीलिए देखो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं हुई। लेकिन देखिए अगर लिगेंड प्रबल होगा तो ये गैप बोलो क्या होगा, ज्यादा। और अगर गैप ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास ऊपर जाने के लिए पर्याप्त एनर्जी नहीं होगी तो वो पेयरिंग करना क्या करेगा, पसंद। तो यहां पे बोल सकती हूं कि पेयरिंग एनर्जी का मान चूंकि कम है क्योंकि डेल्टा नोट का मान क्या हो गया, ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा बोलो, पेयरिंग। और यहां पे चूंकि डेल्टा नोट का मान कम है किससे, पेयरिंग एनर्जी से, तो पेयरिंग एनर्जी तो वो पेयर नहीं करेगा, कैसा हो जाएगा, नो पेयरिंग। और जब पेयरिंग नहीं करेगा तो कैसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, हाई स्पिन। और जब वो पेयरिंग कर लेगा तो बोलो कैसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, लो स्पिन। तो होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि अगर लिगेंड दुर्बल होगा तो ये स्प्लिटिंग कम होगी, डेल्टा ओ का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन इजिली ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जा पाएगा, क्लियर। तो ये मैंने कर दिया, अब चला गया इसका मतलब उसने पेयरिंग नहीं करी, नो पेयरिंग, और कैसे कॉम्प्लेक्स बन गए, हाई स्पिन। और अगर ये एनर्जी गैप ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जाने के बजाय क्या करना पसंद करेगा, पेयरिंग। और जैसे पेयरिंग करेगा कैसे कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, लो स्पिन। ये तो बात हुई पेयरिंग की, क्लियर।
अब इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन भरते हैं कि अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे तो वहां पे अपन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जा सकता है क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो देखिए मैं पहले अपन को पता है ये मैंने लिख रखे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है दोनों एनर्जी सेम एनर्जी लेवल पे, नो ये है इनका एनर्जी लेवल, मैंने केवल आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने के हिसाब से इसको दिखा रखा है। देखिए D1 में कोई दिक्कत नहीं है, अपन को पता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं सीधा नीचे दिखा रही हूं आप लोगों को, D2 के लिए देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, D2G में। ऐसे D3 के लिए देखे दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने पास में फिल हो गए, 1, 2 एंड 3। अब मैं बात करती हूँ फोर्थ, ये सेम ही देखिए यहाँ पे भी रहेगा, जब हाई 1, 2 एंड 3 तीन इलेक्ट्रॉन तक तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करती हूँ फोर्थ इलेक्ट्रॉन की, फोर्थ इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए आपको देखना पड़ेगा लिगेंड कैसा है, अगर लिगेंड दुर्बल है तो अपन को पता है डेल्टा नोट का मान कम और कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो 1, 2, 3 और कहां पे जाएगा एक इलेक्ट्रॉन ईजी में, क्लियर। तो मैं ऐसे भर दू 1, 2, 3 एंड एक इलेक्ट्रॉन बोलो कहां चला गया ईजी में। लेकिन अगर अपना लिगेंड प्रबल है तो ये स्प्लिटिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में नहीं जाएगा, क्या करना पसंद करेगा पेयरिंग, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे रह जाएगा T2G में। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वहां पे देखिए अपन इसको कैसे दिखा सकते हैं, 1, 2, 3 एंड 4 और ईजी अपना बोलो क्या रहेगा खाली, क्लियर। अब देखिए बस अब आप बाकी के आप लोगों के लिए होमवर्क आप खुद करेंगे, एक बार मैं ओरली आपको बता देती हूँ। 5वां इलेक्ट्रॉन बोलो अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज हैं तो कहां पे भरा जाएगा ऊपर, क्लियर, और अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं तो कहां भरा जाएगा नीचे। 6ठे के लिए देखिए यहां पे कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्लियर, और यहां पे 6ठा इलेक्ट्रॉन देखिए कहां पे आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर। 7वां इलेक्ट्रॉन भरना है अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो देखिए 1, एक बार इनको हटा देती हूँ आप लोग कहीं कंफ्यूज नहीं हो। D7 के लिए देखिए अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, क्लियर, और अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, क्लियर। 8 के लिए देखिए अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो सॉरी अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ऐसे 9 जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हाई स्पिन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, और अगर लो स्पिन है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, और 10 इलेक्ट्रॉन अगर हाई स्पिन के लिए भरने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, और अगर लो स्पिन के लिए भरोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, क्लियर। अब देखिए मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको एक किसी एक के लिए लिख के बता देती हूँ, जैसे मैं D6 वाले कॉम्प्लेक्स के लिए लिख के बता देती हूँ आप लोगों को हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों के लिए, बाकी का सेम आप लोग होमवर्क करेंगे, आप लोगों को खुद को लिखना है। देखिए D6 अगर मैं बात करूं बोलो हाई स्पिन की बात करूं पहले, तो देखिए हाई स्पिन में कैसे भरते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्लियर। तो देखो कैसे लिखेंगे, चलो बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G में है 4 और EG में बोलो कितने हैं 2, ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मैं बात कर लेती हूँ देखिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए, बताओ D6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, देखिए 1, 2, 3, और अगर लो स्पिन है इसका मतलब स्प्लिटिंग क्या है ज्यादा, तो पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो D6 के लिए ये मैंने लिखा है बोलो किसके लिए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, T2G कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो 6, EG में बोलो क्या है कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे 0, तो ये अपना बोलो किन के लिए हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए, क्लियर। अब बाकी हर किसी के लिए आप लोग खुद लिखेंगे 1 to 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, देखेंगे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, AG में कितने हैं, क्लियर। अब एक बात और देखिए जो मुझे आपको बतानी है वो है चुंबकीय आघूर्ण, उसकी बात भी मैं यहीं पे कर लेती हूँ। देखिये चुंबकीय आघूर्ण जब निकालते हो
तो उसके लिए बोलो फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं चुंबकीय आघूर्ण के लिए। देखिए फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस टू का अंडर रूट बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे n बोलो क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मैं देखिए d6 में ही बात कर लेती हूँ। d6 में अभी आप लोगों के सामने कौन सा भरा हुआ है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और ये कब बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया, लिगेंड जब क्या होगा प्रबल। अब देखिए यहाँ पे d6 के लिए आप मुझे बताइए, जब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। तो यहाँ पे n की वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण बोलो कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, जीरो जीरो बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर। लेकिन अब मैं बात करती हूँ, देखिए जब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो छह इलेक्ट्रॉन बोलो कैसे भरेंगे अपन, मैं फिल कर रही हूँ दोबारा, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। क्लियर। और अब देखिए यहाँ पे आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, वन टू थ्री एंड फोर। क्लियर। और यहाँ पे n की वैल्यू बोलो कितना रख देंगे अपन, फोर। और जब आप n की वैल्यू फोर रखेंगे तो ये होगा फोर प्लस टू का अंडर रूट। क्लियर। और ये हो गया छह चौक चौबीस का अंडर रूट। अब अगर ये पच्चीस होता तो पांच कर देते, पर इसको अपन ये पच्चीस नहीं है तो क्या कर देंगे, 4.7 या 8 बोहर मैग्नेटॉन। तो देखिए डी सिक्स में अगर लो स्पिन है तो उसके लिए विन्यास अलग होगा, हाई स्पिन है तो विन्यास अलग होगा। ऐसे इनके चुंबक के आघूर्ण निकाल लेंगे। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, 1 to 10 में आप असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, डी वन से लेके डी टेन तक के लिए आप हाई स्पिन और लो स्पिन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। साथ ही साथ देखिए उसका क्या निकालेंगे आप लोग, हर किसी का डी वन डी टू डी थ्री अलग अलग करेंगे और आप एक में नहीं करेंगे, हर किसी के लिए फिर आप बोलो इनके क्या निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकलेगा। और अब देखिए एक चीज मैं और आपको समझा देती हूँ, और वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी एफ एस ई वैल्यू। सी एफ एस ई को अपन ने कहा था कि जब इनकी स्प्लिटिंग होती है और जब आप इलेक्ट्रॉन भरते हो तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है जो इन कॉम्प्लेक्सेस को स्थायित्व प्रदान करती है, जिसको अपन बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ये कैसे निकालते हैं, देखिए मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला देखिए कैसे लिखेंगे अपन, चलो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जीरो पॉइंट और ये है माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, और ये इलेक्ट्रॉन बोलो कौन से हैं, एन टी टू जी, ठीक है, प्लस 0.6 डेल्टा नॉट और ये इलेक्ट्रॉन बोलो कौन से हैं, ई जी। ये फॉर्मूला है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इस फॉर्मूले से देखिए अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे n t2g बोले तो नंबर ऑफ t2g इलेक्ट्रॉन और eg का मतलब बोलो क्या होता है, नंबर ऑफ eg इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। और चूंकि देखिए ये t2g वाले हैं नीचे की तरफ आए, या बोलूं इनकी एनर्जी कम हुई इसलिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस, और इनकी एनर्जी बड़ी थी इसलिए मैंने क्या कर दिया, प्लस। क्लियर। अब देखिए सी एफ एस ई के बताऊं मैं जैसे आपको कौन से के लिए, डी फोर के लिए विन्यास के लिए निकाल के बताऊं, चलो डी सेवन के लिए निकाल के बताती हूँ, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग लो स्पिन और हाई स्पिन दोनों के लिए निकालेंगे। मैं अभी आप लोगों को दोनों के लिए निकाल के बता देती हूँ, लो स्पिन एंड हाई स्पिन के लिए। देखिए सबसे पहले वही आपको इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और हाई स्पिन में अपन को पता है इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर। अब इसके लिए फॉर्मूला में रखो, देखो टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, पांच, ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बोलो अपने, दो। क्लियर। अब मैं फॉर्मूला में रख रही हूँ, देखिए माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, टी टू जी में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, 1 2 3 4 एंड 5 कर दिया, प्लस देखिए 0.6 डेल्टा नॉट, ईजी में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। क्लियर। ये बोलो कितना हो गया, माइनस का 2.0 प्लस ये कितना हो गया, 1.2, और डेल्टा नोट दोनों में कॉमन है मैं बाहर निकाल लेती हूँ। और अब देखिए जब 2 में से 1.2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0.8, और किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। और ये आ गया अपना डेल्टा नोट, और देखिए
इसको एक तरीके से मैं और डिनोट कर सकती हूँ, डेल्टा नोट को अपन ने किसके बराबर बोला था, टेन डेक्यूरल के बराबर, तो मैं इसको कर सकती हूँ 0.8 गुणा 10 डी क्यू, और अब ये जो वैल्यू आएगी ये बोलो कितनी हो जाएगी, 8 डेक्यूरल। क्लियर दोनों, ये तरीका हो गया। अब देखिए अगर ये लो स्पिन होता तो बोलो क्या करते अपन D7 के लिए, देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरते, मैं एक बार भर देती हूँ आप लोगों के सामने D7 के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये बोलो क्या हो गया 7। क्लियर, अब इसी में चेंज कर देती हूँ मैं, फॉर्मूला सेम लगाएंगे, नंबर ऑफ T2g इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे नंबर ऑफ ईजी इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए हाई स्पिन की जगह बोलो मैं किसकी बात कर लेती हूँ, लो स्पिन की, जब लो स्पिन की बात करूंगी तो बोलो T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ईजी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। क्लियर, तो ये वैल्यू बोलो मेरी कितनी हो जाएगी, 2.4 और ये वाली वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, 0.6। क्लियर, और अब देखिए यहाँ पे बोलो कितना बचेगा, ये बचेगा 1.8, ठीक है, इसमें से एक हटाएंगे तो, और ये हो गया 1.8 गुणा 10 डेक्यूरल और ये बोलो अब कितना आ जाएगा मेरा, 18 डेक्यूरल। तो अब ये आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है कि आप D1 से लेके D10 के लिए लो स्पिन एंड हाई स्पिन के लिए आप किस, एक तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, एक आप इनका क्या लिखेंगे बोलो, इनका आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इनका आप चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करेंगे और तीसरा आप लोग इनके लिए CFSE की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर, अब मैं देखिए बात कर लेती हूँ, ये तो अपनी बात हुई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, अब मैं बात करती हूँ देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ये ऑक्टा की बात की मैंने, अब चलो बात कर लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए एक बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है वो ये कि जो मेरे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके लिए ऑलवेज की बात करती हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए मैं ऑलवेज बात कर रही हूँ कि यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनने का मतलब आप लोगों को पता है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जब बनते हैं कब बनते हैं बोलो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनेंगे, जब अपनी स्प्लिटिंग का मान कम होगा बोलो किससे, पेयरिंग एनर्जी से। क्लियर, अब देखिए पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा हो गया इसका मतलब पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर, अब देखो अपन ने एक बात और की थी कि ये जो अपने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल के जैसे नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड होते हैं उनको अपन एक क्यूब के 8 कोनों पे एकांतर क्रम पे रखा हुआ मान सकते हैं, और जो लिगेंड अपने आते हैं वो एक्सिस के बिटवीन से आते हैं, इसलिए यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है उसका पैटर्न चेंज होता है, और ये जो स्प्लिटिंग होती है ये है ई और ये बोलो क्या है T2, और इसको देखो अपन ने क्या बोला था, जो इनके बीच की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है उनको अपन ने बोला था डेल्टा टी से डिनोट किया था अपन ने, जी यहाँ पे स्किप करते हैं क्योंकि यहाँ पे जिराड सिमेट्री नहीं होती है। अब ये देखिए कितने कम हो गए बोलो, -0.6 डेल्टा टी, और ये कितने ज्यादा हो गए, +0.4 डेल्टा टी, टी फॉर टेट्राहेड्रल। क्लियर, अब एक बात और मैंने आप लोगों को बता दी कि यहाँ पे हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा होता है, इसीलिए कभी भी पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर, अब देखिए जब आप, मैं किसी एक के लिए आपको इसका, अपन को वही सारी बातें इनके लिए भी करनी है, मैं आपको किसी एक के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के बता देती हूँ, जैसे D5 के लिए लिखूंगी तो D5 के लिए लिखोगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 एक ही तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा क्योंकि ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। जब आप लिखोगे तो देखो कैसे लिखोगे, ई में बोलो कितने हैं 2 और T2 में बोलो कितने हैं 3। क्लियर, ऐसे ही आप 1 to 10 के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। क्लियर, इसके लिए अगर अपन को चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे,
अंडरवुड पावर मैग्नेटोन, मैं एक D5 के लिए आप लोगों को निकाल के बता रही हूँ, बाकी आप लोग निकालेंगे। बोलो कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, 5 प्लस 2 का अंडरवुड, और अब ये बोलो कितना हो गया, ये हो गया 35 का अंडरवुड। अगर ये 36 होता तो 6 कर देते, इसलिए इसको 5.8 बोहर मैग्नेटोन कर देते हैं। ये आप लोगों के लिए होम असाइनमेंट है, आप D1 से लेके D10 के लिए आप क्या निकालेंगे बोलो, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालेंगे, इनके लिए आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अब देखिए CFSC की बात कर लेती हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए फार्मूला सेम जो अपन ने ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखा बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग अलग होगी इसलिए देखे अपन क्या लिखेंगे, ये हो गया -0.6 डेल्टा टी, क्योंकि टेट्राहेड्रल की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ ई इलेक्ट्रॉन, जी नहीं लगाएंगे, प्लस 0.4 डेल्टा टी नंबर ऑफ T2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। और अब देखिए मैं बोलो किसके लिए निकाल के बताऊं आप लोगों को, D7 के लिए निकाल देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ठीक है, चलो लिख लेते हैं 0.6 डेल्टा टी, ई में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, प्लस 0.4 डेल्टा टी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3, ये बोलो कितने हो गए, 2.4 डेल्टा टी प्लस 1.2 डेल्टा टी, और वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.2 डेल्टा टी, और डेल्टा टी को बोलो मैं रिमूव करना चाहूं तो इसको किसके इक्वल कर सकती हूँ, 10 डेक्यूरल के बराबर, तो ये हो जाएगा 12 डेक्यूरल, क्लियर। ऐसे ही आप लोग सब इनके लिए निकाल लेंगे वैल्यूज को, मैंने एक के लिए आपको निकाल के बता दिया, बाकी के लिए आप लोग निकाल लेंगे। चलो इसी में एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं यहीं पे बता देती हूँ कि अगर कहीं पे पेयरिंग होती है तो वहां पे साथ में अपन पेयरिंग एनर्जी और लिखते हैं, इसी CFSE जब निकालते हैं इसी फॉर्मूला में। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस मैं कर देती हूँ पेयरिंग, क्लियर, सेम अपन जब ऑक्टाहेड्रल के लिए करेंगे तब भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे अपन आंसर निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं, 2, तो जब आप लिखते हो 0.6 डेल्टा टी, ई में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 प्लस 0.4 डेल्टा टी, और ये हो गया 3, और साथ में देखो कितने पेयरिंग हो गई, 2, तो फॉर्मूला में 2 और लगा देते हैं, ध्यान रख लेंगे। सेम ही आप किस में करेंगे बोलो, ऑक्टाहेड्रल में, क्लियर। तो ये अपनी बात हुई CFSE कैसे निकालेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, और इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान ज्ञात कैसे करेंगे। होम असाइनमेंट आपको करना है लो स्पिन हाई स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, D1 से D10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, और CFSE का मान ज्ञात करना है। थैंक यू।